आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा चतुर्थी, विषय संस्कृत, पाठ षष्ठ, भाग द्वितीय। नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत पाठ षष्ठ भाग द्वितीय सुभाषितानी के कुछ श्लोक है। पहले हमने दो श्लोक पहले पढ़े थे, तीन श्लोकों का आज हम भावार्थ जानेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है शुभ वचन, मीठे वचन, यानी मीठे वचन। तो एक बार मैं सस्वर वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। ये न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य मृत्यर्लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृदा चरन्ति यदाचरति श्रेष्ठः ततदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकैस्तदनुवर्तते माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये अंश मध्ये बको यथा। तो इस प्रकार सुभाषितानी के तीन श्लोक है। तो पहला श्लोक है येषां न विद्या, येषां यानी जिसके पास में, जिसके पास में न विद्या है न तप है न दान है। जिसके पास में न तो विद्या है न तप है न दान है न ज्ञान है न शीलम यानी चरित्र, न चरित्र है और न गुण है और न धर्म का पालन करने वाला है। इतने प्रकार के गुण जिसके पास में नहीं है, विद्या पास में नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, चरित्र नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है, जिनके पास में ये चीज़ें नहीं हैं ते मृत्यु लोके भूई भार होता ते यानी वे, यानी जिसके पास में विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, चरित्र नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वे मृत्युर्लोके, मृत्युर्लोक यानी इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में भूवि भार भूता, भूवि यानी इस भूमि पर भार स्वरूप जीवन जी रहे हैं। यानी जिसके पास में विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं है, वे इस मृत्युलोक, इस मृत्युलोक यानी इस धरती पर, इस मृत्युलोक में, इस भूमि पर भार स्वरूप जीवन जी रहे हैं। यानी एक पृथ्वी पर भार है, जिसके पास में ये कुछ भी नहीं है वो इस पृथ्वी पर भार भार है पृथ्वी पर। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, यानी पृथ्वी पर भार है और मनुष्य के रूप में, रूप उसका मनुष्य का है परंतु है कौन, वे पशु है, एक तरह मृग यानी हिरण है, हिरण के समान है, घास को चर रहे हैं। यानी दिखने में तो आपको मनुष्य लग रहे हैं परंतु वो है कौन, वे है पशु है एक तरह के, ठीक है ना, हिरणों की तरह घास चर रहे हैं। यानी जिसके पास में विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वे इस पृथ्वी पर भार है और मनुष्य के रूप में पशु है, हिरण के समान घास चर रहे हैं। अगले वाला श्लोक देखिए, यदुदा चरती श्रेष्ठ तत देवेतरो जना, यदुदा चरती श्रेष्ठ यानी जो श्रेष्ठ आचरण करता है, अच्छा आचरण करता है, तत् देवेतरो जना और सज्जन लोग होते हैं, तत् देवेतरो यानी देवता के समान जो सज्जन लोग होते हैं, देवता के समान जो पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो उनका आचरण करते हैं। यानी जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उस आचरण को देख करके दूसरे भी उनका आचरण करते हैं। स एक प्रमाणम कुरुते, जो वो प्रमाण यानी तय करके जाते हैं, जो अच्छा रास्ता बना करके जाते हैं, लोग इसको धनुवर्तते यानी लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। तो जो अच्छा लोग होते हैं वे जो श्रेष्ठ आचरण बना करके जाते हैं या श्रेष्ठ रास्ता बना करके जाते हैं, दूसरे सज्जन लोग भी उनका अनुसरण करते हुए जो वे प्रमाण यानी बना करके जाते हैं तो लोग है उनका अनुसरण करते हैं। तो अच्छे लोग जिस प्रकार का श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो दूसरे लोग भी उन श्रेष्ठ आचरण को देख करके उनका पालन करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ तो दूसरे जो लोग हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं या मेरे को मानने वाले लोग हैं, वो भी मेरी तरह आचरण करेंगे यानी कर्म नहीं करेंगे, इसलिए मैं स्वयं ईश्वर होते हुए भी कर्म करता हूँ, ठीक है ना। तो ये श्रेष्ठ कर्म, जो अच्छा कर्म करते हैं दूसरे लोग भी उनका आचरण करते हैं।
माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठित, यानी माता जो अपने माता शत्रु पिता वेरी, हाँ चलिए यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा माता है ठीक है ना, माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठित, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जो माता यानी शत्रु है और पिता वेरी यानी दुश्मन है, येन यानी जो अपने बालों बालों यानी बालकों को न पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे माता और पिता उनके दुश्मन है शत्रु है। न सोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता, यानी वे न सोभते शोभा नहीं देते हैं, हंस सभा मध्य हंस मध्य बकोयता, जिस प्रकार हंसों की सभा हो रही है और उसमें वो बुला करके बैठ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार पढ़े लिखों की सभा हो रही है और उसमें अनपढ़ आकर के बैठ जाएंगे तो वो सभा शोभा नहीं देती, उसी प्रकार यानी जो माता पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं वे अपने बालकों के दुश्मन हैं शत्रु है, क्योंकि यानी पढ़े लिखों की सभा होती है उसमें अनपढ़ शोभा नहीं देते हैं, जिस प्रकार हंस मध्य बकोयता यानी हंसों की सभा हो रही है और बगुला आकर के बैठ जाएंगे या बगुले बैठ जाएंगे तो फिर हंसों की सभा की शोभा नहीं बढ़ेगी, इसी प्रकार है जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, तो हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें अपने माता पिता है वो पढ़ाएंगे, तो इस प्रकार ये एक बार मैं पुनः इन श्लोकों का अभ्यास कराऊंगा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे, येषां न विद्यान तपोन दानं, येषां न विद्यान तपोन दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा च चरन्ति, यददाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरुजन, यददाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरुजन, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकैस्तदनुवर्तते, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकैस्तदनुवर्तते, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, इस प्रकार है ये श्लोक है, ये सामन जिसके पास शीलम एन चरित्र, भूय एन भूमि, मृग एन हिरण, यत एन जो, स एन वह, वैरी एन दुश्मन, इस प्रकार है ये पाठ आपको पढ़ना है और ये शब्दार्थ को कॉपी करना है, धन्यवाद।